हेलो गाइस, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल। गाइस, हम लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के प्रेजेंट हैं आपको। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड आज क्या हुआ कोर्ट में, कोर्ट अपडेट लेकर के। जैसे कि बैठक हुई थी, बहस चल रही थी लखनऊ और इलाहाबाद दोनों कोर्टों में। तो जैसा कि गाइस मैं 3:30 बजे लेकर के अपडेट आई थी आपको, मैं ये भी जताई थी कि यदि डेट पे डेट आज भी टला, डेट अगला पड़ा, तो भर्ती लटक सकती है। तो लटक गई, कतई जल्दी फाइनल होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको बता दे कि 6 फरवरी डेट पड़ा है इलाहाबाद, तो इससे पहले सुनवाई होने वाली नहीं है। और ये भी बता दे कि यदि लखनऊ लखनऊ 1 फरवरी लखनऊ में डेट पड़ी हुई है, ठीक है, तो यदि फरवरी 6 तारीख से पहले लखनऊ से सुनवाई हो जाती है तो इलाहाबाद की कोर्ट वहीं समझौता हो जाएगा। और यदि यहाँ से फाइनल नहीं होता है तो 6 फरवरी को आपको लास्ट निष्कर्ष निकली जाएगा इलाहाबाद से। और आज गाइज कुछ भी नहीं हुआ है। लंच से पहले सुबह से इतनी सारी वीडियो बन करके अब आ रही थी, दिखा रहा था यूट्यूब पे कि 60-65 का पक्ष मजबूत है, 40-45 का पक्ष मजबूत है, शिक्षा मित्रों का पक्ष मजबूत है, रिजवान का पक्ष मजबूत है, पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी अपडेट डिस्कस तो चला गाइज, ऐसा कुछ भी किसी का पक्ष में मजबूत नहीं है। अब जज साहब और गवर्नमेंट का जो वहाँ पे जज है, तो क्या गवर्नमेंट का सॉरी गाइज वहाँ पे जो है डिस्कस चल रहा था उन लोगों के बीच, वकीलों के बीच, तो क्या डिस्कस, क्या डिसीजन, कुछ अच्छी खास डिसीजन नहीं है, निर्णय तक पहुँचे नहीं। इसलिए आपको रिजल्ट और आपकी जो है हित की बात सामने प्रेजेंट नहीं हुई। तो अब क्या होने वाला है, अब 6 जनवरी का वेट करिए आप, इसके बीच में क्या होगा पता नहीं, कोई पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है। हाँ, हो सकता है क्योंकि इसमें कई मैटर है, एक मैटर रहता तो सुलझाया जा सकता है, कहीं भर्ती रद्द करने को लेकर के है, तो कहीं पर 40-45 कट ऑफ करने के लिए है, कहीं 40-65 को रोकने के लिए, बचाने के लिए है, कहीं शिक्षा मित्रों को जो है न्याय चाहिए कट ऑफ ख़त्म करने के लिए है, और बहुत सारी हैं जैसे दलीलें दी जा रही हैं वहाँ पे, तो इसलिए भर्ती फंसती जा रही है। और हम तो हमारा जो है आई होप कि मेरी आशा है कि ये भर्ती क्लियर होने वाली जल्दी नहीं है। यदि लखनऊ से क्लियर नहीं हुई तो इलाहाबाद में पता नहीं क्या होगा 6 तारीख को। अब आप लोग को उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत ही बुरी खबर है। आप कई महीने लगातार तैयारी करो, एग्ज़ाम दो, फिर उसके रिजल्ट के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है। अब तो 6 जनवरी को हमारा एलटी ग्रेड का भी रिजल्ट आने वाला है, सोशल स्टडीज से जो गाइस एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसका इंतज़ार करें, 6 जनवरी को उनका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद 6 जनवरी के बाद 7-8 जनवरी जैसे ही एग्ज़ाम 6 जनवरी को आ जाता है, सोशल स्टडीज सक्सेस हो जाता है, तो आपको जो है इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, एलटी ग्रेड में आंसर विदाउट आंसर की आएगी। तो चलिए, ओके गाइस, बाय। मैं कोई अफवाह भरी अपडेट नहीं देती हूँ, कुछ लोग को बुरा लगता है कि अफवाह भरी न्यूज़, तो ए टू रेट बिल्कुल जो बात होती है वही मैं कहती हूँ, ज़्यादा फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो जाते जाते आप लाइक करेंगे, कमेंट करिए कि आपको अपडेट न्यूज़ कैसा लगा, अगर अदर कोई अपडेट आपको मिला हो ट्रूथ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।